इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक से आज मेडल वाली ब्रेकिंग न्यूज आई है। भारत की बॉक्सर बेटी लवलीना ने एक बार फिर ओलंपिक में जीत का झंडा गाड़ दिया है। बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में लवलीना ने क्वार्टर फाइनल्स में ताइपे की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और न सिर्फ जगह बल्कि अपना मेडल भी पक्का कर लिया है। आपको बता दें कि लवलीना ने कहा कि उनका लक्ष्य गोल्ड जीतने का है, वो सेमीफाइनल में पहुंचकर रुकना नहीं बल्कि गोल्ड जीतना चाहती हैं। पहली बात तो अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उतरने से पहले हाँ मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उठने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था मैं। ओलंपिक में बॉक्सर लवलीना की जीत के बाद पूरा गांव उनका जश्न में डूब गया है। असम के गोलाघाट की रहने वाली लवलीना को ओलंपिक में मेडल मिलना ये तो पक्का हो गया है। मेडल पक्का होते ही गांव में जीत का जश्न भी शुरू हो गया। ढोल बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन